स्थापित किया है, वह स्वयं से ही निर्मित हुआ है, एक सत्य स्वरूप। जिसने भी परमात्मा का स्मरण व आराधना की, उसको बड़ापन मिला। हाँ, आज ये डिस्कशन होना है इसका, तो इसका ये करेंगे स्टार्ट। विनोद जी आप करिए, स्टार्ट करिए इसको। जिसने परमात्मा का स्मरण कर अपने पीठ से ग्रहण, मतलब कि जो भी परमात्मा का भगवान का स्मरण करते, मतलब कि अपना सेंटर सही दिशा में रख के अगर कर्म किया जाए। आराधना मतलब कि हमको जो डेली रूटीन का कर्म करना है, वो जैसे सरिता जी कहती है, हर क्षण हमको ब्रह्मा के लीन में ही रहना है। मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन कर रहे हैं तब रहना है, मतलब पूरा जीवन ही परमात्मा को समर्पित है। तो जो कर्म करना है वो प्रभु को ध्यान में रख के करना है, कि अगर मतलब इसमें हमको निस्वार्थ करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है, सेंटर जीरो पे होगा, तो वो जो कर्म आराधना की तरह होगा और उससे ही आपको मोक्ष मिलेगा, या बड़प्पन का अर्थ इधर मोक्ष मिलेगा आपको, और तो इस योनी में है, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हाँ, ठीक बोला है वैसे, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अनामिका जी थोड़ा सा बाद में बोल लेंगी, कोई बात नहीं। तो कपिल जी आप ही बोलिए, ये वही जिसे कहते हैं ना कि जीवन में जो असली हैप्पीनेस या ब्लेस जिसे हम कहते हैं, हैप्पीनेस से ऊपर होता है ब्लेस, तो वो तभी वही यहाँ पर जो उसकी बड़प्पन मिलेगा, जैसे कि उसमें बड़प्पन का मतलब वही जहाँ पर रिस्पेक्ट या ब्लेस आप अपने जीवन में, जब आप अपने पूरी तरह से अपने जीवन में वो क्वालिटीज को, गॉडली क्वालिटीज को उतार लो, और वो आपसे अलग नहीं है कि आपको किसी समय, मतलब हर समय वो ईश्वर का शुक्राना, जो भी कुछ तुम्हें मिल रहा है, अच्छा बुरा जो हो रहा है, उसका एक तरह से शुक्राना में आप रहो, तो वो और उसकी वो कंटिन्यूस, उसका जैसे वो कहते हैं ना, वो जो म्यूजिक है उसका, वो कंटिन्यू आप वो प्ले कर रहा है, वो अलग से कोई नहीं है कि आपने इस समय करना है या उस समय करना है। वो भाव यदि पूरी तरह से आप उसमें सरोवर हो और उतरा हुआ है आप में, तो बस उसी में, मतलब वो ही सब कुछ तुम्हें फिर मिल गया, उसको उसकी बड़प्पन मिल गया, मतलब उसका वो सब कुछ तुम्हें आशीर्वाद प्रसाद मिल गया, जो भी कहो, तो वो ही उसी में ब्लेस है, मतलब अलग नहीं समझना किसी। हाँ ठीक है, बहुत बहुत सुंदर बोला है। हाँ जी कपिल जी आप बोलिए, फिर अनामिका से लास्ट में पूछेंगे। इसमें पहला वाला जो श्लोक पढ़ा, उसमें ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड और इलेक्टेड, एल्स ही कैन नॉट बी क्रिएटेड। सो ना अंत है ना स्टार्ट है, ओमनी प्रेजेंट है, और उसके सामने बाय सर्विंग हिम वी कैन रिस्पेक्ट एंड ऑनर। सो सर्विंग मीन्स एक्सेप्टेंस या सरेंडर। जो मेरे को शायद गीता का वो श्लोक बार बार याद आता है, 13th चैप्टर में एक श्लोक था जिसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं कि या तो तू मेरे लिए कर्म कर या फिर मेरे परायण होके कर, और वो भी नहीं कर सकता तो जो रिजल्ट है उसको बेसिकली सरेंडर कर दे। सो अटैचमेंट ही खत्म हो जाती है उसमें। हाँ जी थैंक यू। हाँ बहुत बढ़िया है, मतलब टू द पॉइंट बोला आपने। हाँ जी अनामिका जी बोलिए। वही इसमें मतलब यही समझ में आ रहा है कि मतलब हमें भूलना नहीं है,
हर क्षण मतलब ध्यान में यही रखना है कि हम मतलब कि अपने मतलब अपने अंदर ही जो मतलब सेंटर जो आप बोलते हो वो रहना चाहिए, तो उससे हमारा जो मतलब हम जो खुशी ढूंढ रहे हैं वो हमें अपने अंदर ही मिल जाएगी, बस मैं इतना ही बोलूँगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही है। तो इस पे यही मेरी तो यही एक्सप्लेनेशन है बार बार, जिसने भी परमात्मा का स्मरण, तो परमात्मा का स्मरण ही सबसे पहले जाने कि हमसे कोई भिन्न नहीं। पहले परमात्मा की डेफिनेशन जैसे हमने कल की थी, तो परमात्मा का स्मरण मतलब जगत का विस्मरण। तो उसमें क्या होता है, जैसे अंदर से जो हमारा एक बटा हुआ, हम ना बटी हुई लाइफ जीते हैं कि हमारा ये हमारा और ये दूसरों का। तो ये जो बटा हुआ लाइफ का जब तक जीवन आप जी रहे हैं, तो आपका अपना वो कर्ता मतलब मौजूद है उसमें। कहते हैं ना कर्ता के अवशेष पर कभी भी मुक्ति का जन्म नहीं होता। मुक्ति का जन्म मतलब ये होता है कि जब भी करने वाला मौजूद है, तो अब ना करने वाली स्थिति में कैसे आएंगे। जब मेरे अंदर का अंदर में मेरी कोई कामना शेष नहीं रही, मैं मेरे अंदर कामना है मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई डिग्री ली है और मैं उसका कर रही हूं, तो जरूरी नहीं है ना जब मैं अपने के साथ में उसको अटैच करती हूँ डिग्री की मैं भाव से, तो तब मुझे दुख सुख आता है। बाकी एक प्रोफेशनल तौर पे मैंने कोई चीज ली है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, या प्रकृति ने मेरे अंदर वो चीज जन्माई है, जन्म देकर ही भेजा है जिस चीज को, तो उस चीज का मैं यूटिलाइजेशन कर कर आराम से बिल्कुल उसमें जीती हूँ, जी सकती हूँ। अब क्या होता है, परमात्मा वो जो अहंकार क्या भाव बना लेता है कि ये वाला मेरा क्षेत्र है अंदर का, अंदर की उसकी अपनी एक दुनिया है, प्राइवेट दुनिया होती है, और एक बाहर की दुनिया है, तो वो उसमें बीच में बाउंड्री कर कर जीता है, तो तब तक उसके अंदर हल्कापन कभी भी नहीं आएगा। और कहते हैं जो चीज हमने अर्न नहीं की ना, जैसे परमात्मा को भी हर कर्म में हमें जन्म देना है, तो जब तक जो चीज मेरी अपनी अर्न करी नहीं हुई, तो मेरे लिए भारी ज्ञान भी अहंकार पकड़ लेता है। भारी ज्ञान चाहे आप गीता का पढ़ लीजिए, कोई भी, वो स्थिति का टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट कैसा होता है कि एक चीज से मैं सुखी हो रही हूं कोई चीज का, कि कोई कहीं पर मेरा जैसे बंधन है कि मैं अपनों को देख के सुखी हो रही हूँ, दूसरों को देख के दुखी हो रही हूँ। तो ये जब तक सुख वाली अवस्था में भी मनुष्य दुख का महसूस नहीं करेगा कि दुख भी मेरी एनर्जी को लेके खत्म कर रहा है, जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्मोन जो हमारे क्रिएट होते हैं अपने को देख कर, तो वो हम एनर्जी जो कर्ता भाव ने जो एनर्जी थी वो ज़्यादा यूटिलाइज कर गया और बेहोशी में कर गया, उसको पता भी नहीं चला, इसलिए क्योंकि संसारिक चीज़ों में उसकी दृष्टि लगी हुई थी, तो हमें दूसरा दृश्य दिखता ही नहीं। जैसे एक मनुष्य बोल रहा है, और यदि मैं मुक्ति के भाव में नहीं स्थित हूँ, और जो एक तो मनुष्य बहुत सुंदर लैंग्वेज में बोल रहा है, और एक मनुष्य अपने अनुभव से बोल रहा है जो उसके अपने आन करा हुआ है, तो जो दृष्टि मेरी लैंग्वेज पर जाती है कि ये लैंग्वेज बहुत अच्छी सुंदर बोल रहा है, तो वो वहीं पर अटक जाएगी उसकी दृष्टि, वो कहेगा कि इसने तो बहुत सुंदर बोला। तो ऐसे में एक ओशो ने स्टोरी सुनाई थी कि जैसे कोई एक गुरु ऐसा अपना ज्ञान देते थे, तो उसमें कोई ऐसा शिष्य आया जिसमें उसको सारा वेदों की नॉलेज जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसको अच्छी सुंदर लैंग्वेज में पता थी। तो बाद में सब लोगों ने अप्रिशिएट बहुत ज़बरदस्त किया, लेकिन गुरु ने उससे ये बोला कि तुम कहाँ थे उसमें, वहाँ पर जो है यजुर्वेद बोला, गीता बोली, भागवत बोली, सब बोला, लेकिन तुम कहाँ थे। तो जब तक हमारे अंदर वो बिंदु पैदा नहीं होता, तो तब तक हमें जो है ना इस चीज़ की अनुभूति नहीं होती कि अभी हम क्या है सुख दुख में फंसे हुए। अभी अभी तो अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है, लेकिन ये शब्द मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि जब आप ये सेंटर वाली भी पोजीशन भूल जाते हैं, तो तब क्या होता है, ज्ञान आपका अपना हो गया, तर गए आप, उसमें क्या हो गया, आपकी अंदर की बाउंड्री बाहर की बाउंड्री कुछ नहीं मैटर करती। एक मनुष्य ने जैसे कहते हैं ना, जैसे केजरीवाल ने सीट ली पैसा बनाने के लिए, मोदी जी ने सीट ली कि जो है वो कुछ ना कुछ जो है जो संसार में जो कचरा फैल गया उसकी सफाई करने के लिए। तो दोनों का लक्ष्य में कुछ लोगों को सीटों पे से साफ करना होगा और कुछ को वो करना होगा। तो उसमें आप खुद ही नोट कर लीजिए कि किसकी मेंटालिटी किस तरीके से काम करेगी। तो उस मनुष्य उसको जो मनुष्य का सिर्फ एक लक्ष्य ही एक ही है, तो उस लक्ष्य को दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे। तो जो जो जिनकी आंखें क्लीन नहीं है तो वो नहीं देख पाते इस चीज को। तो यही चीज हमारी ज्ञान में भी होती है। तो जब तक आपके स्वयं के अपने मोती नहीं हुए ना तैयार, जब तक आपके अंदर भीतर का क्षेत्र और बाहर का क्षेत्र अलग है, तो
तो तब तक जो आपकी ना तो डिग्री आपके लिए काम आएगी ना कुछ आएगी। और भवसागर से पार जाने में जो भी आपने प्रकृति से जो भी चीजें जो ली हैं उनका यहीं की यहीं यूज करके, जैसे एक डॉक्टर ने प्रोफेशनल डिग्री ली तो उसका लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि जो है फिजिकल किसी की भी बीमारी ट्रीट होए, चाहे वो कोई भी हो, सामने अपना पराया का भेद ना करते हुए में, तो वो चीज़ है। तो उसमें प्राइवेट वाला कुछ मैटर नहीं रह जाता है कि जैसे कोई एक डॉक्टर और रात को कोई पेशेंट चला जाए और वो फीस भी ना दे सके और डॉक्टर अपनी नींद को जो है सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा है, तो हम परमात्मा के बंदे नहीं हुए। परमात्मा का बंदा वह है कि जो ऑन द टो रहता है हर वक्त, कि जिस क्षण में जो प्रकृति ने दिखाया है यदि मेरे पास कैपेबिलिटी है तो मुझे उस चीज़ को करना है। तो वो क्या होता है, अब अहंकार जब वो डिग्रियां पकड़ लेता है, उस पर पकड़ मजबूत बना ली, और फिर वो उसका जो है सारा क्षेत्र जो है अपना अहंकार का वो शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ है कि जो भी हमारे अंदर सारी वो है तो उसमें कहीं भी वो नहीं करना, इसको इस तरीके से लेना है कि जैसे हमने खेल करने के लिए सोचा तो खेल के लिए भी प्लानिंग कुछ करनी पड़ती है ना, तो ऐसी ही संसारिक डिग्रियां हैं, इनको लें, लेकिन इनको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि सब में एक ही भाव देख कर करेंगे। तो जैसे कोई अपना ही बच्चा कोई रात को इमरजेंसी में आ गया और उसका फोन आया, जब तक आपके अंदर वो वाला भाव नहीं उतरता तो तब तक जो है सेंटर पर रहकर कॉन्शियस डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनकॉन्शियस में यदि आपने लिया, आपने शरीर के आराम को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी, तो वहीं प्रकृति आपसे पूरी तरह से वो कराएगी, मतलब वो प्रकृति उसको सिखाती तब तक चली जाती है जब तक पुरुष का जन्म नहीं हो जाता। चेतना, चैतन्यता पे, तो चैतन्यता उसका नाम है कि जहां पर मिट्टी से मैं अटैच ही नहीं हूं। तो जहां पर भी आलस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो अपने अंदर की वीकनेसेस को नोट कीजिए और उस पर काम करता है जो बुद्धत्व की तरफ पर कदम वो बढ़ना है। मैं अपने अंदर की ही कमियों को नोट करूं और फिर उस पर मैं वर्क करके और मैं पुरुष को पूरी तरह से जन्माऊं, तो वो शिव का जन्म हुआ। बस मेरा इतना ही बोलना था। हाँ जी, अब जरा एक एक करके फिर दोबारा बोलिए जरा सब, फिर करेंगे। हाँ जी, विनोद जी बोलिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो है सेंटर से ही काम करना है और वो इसी से कर रहे हैं कि मतलब जो निर्भाव से करें और निर्वय, जैसे इसमें कहा गया है कि कोई भी चीज को बायस नहीं रखना है, और जो सेवा मिलती है अगर डॉक्टर करना चाहे तो उसको मतलब जैसे मुन्ना भाई MBBS ने कहा, मतलब यू हैव टू बी, आत्मीयता होनी चाहिए, मतलब ह्यूमन रिस्पेक्ट होना चाहिए। जो कार्य मिलता है सामने, जो आपकी ताकत है वो आपको पूरी तरह से सेवा जो है जो आपके लिए की गई है वो सेवा आपको करनी है, भले उसका रेमुनरेशन उतना हो नहीं हो, दैट इज अ सेकेंडरी पॉइंट। जो आपको काम की शिक्षा दी गई उसे पूरा करना चाहिए और कर्म सही चीज से करना चाहिए। बिल्कुल सही, परफेक्ट, थैंक यू। अनामिका जी बोलिए अब। मतलब कि अपने सरिता जी, मैं बात बोलूं? ठीक है, कोई बात नहीं। कपिल जी आप बोलिए। किया थे वो आपने अच्छा एग्जांपल दिया केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी का, ये दोनों ही एक अच्छी पोजीशन पे हैं, बट दोनों के कर्म अपने हिसाब से हैं, तो अपने भाव को चेक करता रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पावरफुल हैं, बट किस डायरेक्शन में, किस दिशा में है, तो आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस, और सेल्फ अवेयरनेस में फिर आपने आई थिंक सही बताया कि फिर ये सेंटर से भी आदमी ऊपर उठ जाता है, देन मतलब यू नो शून्यता में आ जाता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी बिमी जी आप बोलिए। मुझे आपने वो जो शिष्य का बताया कि जब गुरु ने कहा कि इसमें तेरा अपना क्या है, तो वही है कि हम भी जो कुछ पढ़ रहे हैं और वही वेद पुराण जो भी पढ़ते रहे, जब तक अपने में नहीं उतारा उसे, वो जो हम कहते हैं कि जब तक मैं खुद गीता नहीं बन गई तो उसका कोई वो पॉइंटलेस है या वर्थलेस। तो वही है कि जो कुछ है अपने में उतारो, अपने में वो क्वालिटीज इम्बाइब करने की कोशिश करो, हर बारी अपना वो चेक्स आपके ऑन रहे, अपने आप को हर बारी ICU में रखो। और गलतियां करोगे वो तो होगा, मतलब इंसान है वो होंगे, पर कोशिश यही रहनी चाहिए कि हर बारी उस गलती से सीख के ही फिर अपने आप को ठीक हुई, हर बार सेंटर पर लाओ। यू हैव टू, दैट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस थिंग। ये है, बिल्कुल परफेक्ट है।
ये इसमें बस यही चीज है, जब वो अहंकार जब हटता है ना तो वो वाली दशा आ जाती है। जैसे मेरे को ना रटे नहीं कभी भी, लेकिन है ना अब जब बोलती हूँ ना तो उसमें अपने आप ध्यान आता है। जैसे अभी एकदम ध्यान आ गया कि सिमरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। तो अल्टीमेट विश्राम की अवस्था क्या होती है, जब मैं प्रकृति का मेरे को पता चल गया शरीर जो है कितने दिन के लिए मिला है, अब इसका ये तो जाना ही है, अब इसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ, मैक्सिमम पोटेंशियलिटी मैं किस प्रकार यूज कर सकती हूँ, मैटर वो होना चाहिए। अब उसको मैं जो है सिर्फ अहंकार के कुछ 5 बंदों में भी खर्च कर सकती हूँ उसको, और मैं जो है पूरे अनंत के लिए भी खर्च कर सकती हूँ। तो अनंत के लिए किया हुआ कर्म वही होता है कि हम ये ना देखें कि सामने कौन व्यक्ति खड़ा है, हम उसको ये देखें कि उसको किस चीज़ की जरूरत है, उसको ज्ञान की जरूरत है, उसको पैसे की जरूरत है, या फिर उसको नॉलेज की जरूरत है, या फिर कुछ भी, जो भी कुछ है, तो हम क्या उसको जो है उसका उसको हल्का किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो उसमें कहते हैं हल्कापन जो है, वैसे फिजिकल वाली जो नीड होती है वो प्रकृति ने सबको भरपूर मात्रा में दी हुई है। तो मन से ही जिस समय हम किसी को थोड़ा सा 2 शब्द बोलकर और उसके अंदर का बैगेज यदि निकालने की हमारे अंदर पावर है, तो सबसे बढ़िया उत्तम दान होता है, उसको कहते हैं उत्तम दान वही है। तो ये चीज है, यदि आप स्वयं तो निकल ही गए उस चीज से, सिमरन मेरा हरि करे, तो वो उससे खुद तो निकल ही गए, आप दूसरों के लिए वो तैयार कर रहे हैं। तो ये चीज है, बहुत ही सुंदर है, सब सब समझे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी अनामिका जी, आप कंक्लूड कीजिए, इसको खत्म करते हैं बस। बहुत ही अच्छा लगा सरिता जी, और मेरा सरिता जी अभी मतलब इतना मैंने अटेंड नहीं किया इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, तो नहीं नहीं इसमें वो बच्चे वाली बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा यदि तुतला के भी बोल रहा है तो भी माँ उसकी बात समझ पाती है, तो आप बिल्कुल भी उस चीज की चिंता मत करो। आप जो भी आप समझते हो ना, जब वो मुंह से उच्चारण करोगे ना तो वो अंदर धीरे धीरे दिन में भी जाने लगेगी। जो चीज को हम मुंह से करके कर देते हैं वो पक्की हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, बच्चे से बुलवा के चेक करवा लिया हमने, पहले उसने याद किया, लेकिन जब तक मदर उसको टेस्ट नहीं कर लेती कि उसे याद हुआ नहीं हुआ, मतलब मैं ऐसा पढ़ाती थी शाश्वत को, तो इस तरीके से जब तक टेस्ट नहीं हो लेता तो वो चीज़ है बस, ये अपने आप में ही समझिए बस। तो उसमें उतनी क्लैरिटी आपके अंदर आती चली जाएगी और वो फीलिंग एकदम आ जाएगी कि अंदर की बाउंड्री और बाहर की बाउंड्री का कोई लेना, अंदर का जो बैगेज है वही मेरा बोझ है। ये चीज़ जिस दिन मनुष्य को समझ में आ जाती है ना, बस वो परमात्मा में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, ये स्थिति है। ऐसी अनुभूति पे यदि कोई मनुष्य टिका रह सकता है ना, तो वही बस कुछ भला कर सकता है समाज का, अदरवाइज तो कोई भी नहीं कर सकता। ज्ञानी पुरुष बहुत बैठे हैं, कभी कुछ होने वाला नहीं है, उनकी अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स, अंदर अंदर की दुनिया अपनी यदि बैठी है ना, तो अंदर की दुनिया बैठी है तो परम तो बहुत दूर है, अंदर की दुनिया खत्म हो जाती है बिल्कुल। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं आज का। तो कल का गीता का सेशन होगा, तो सभी लोग आइए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, क्योंकि आप लोग तो क्या है वैसे लेवल पर ही हैं, हम लोग सब एक ही उसमें हैं। तो बाकी क्या होता है, मेरे को भी थोड़ी सपोर्ट लगती है, जैसे यदि विनोद जी बोलेंगे, विम्मी जी बोलती हैं, तो ये थोड़ा सा एक होता है कि एक ही वाक्य को बोलने वाले 5 लोग हैं, तो उसमें जैसे ये होता है कि मौन भी बैठ के यदि बैठे हैं तो वो चीज़ बोल रही है, तो फिर मेरे को लगता है बोलने दो वो चीज़ किसी और के मुँह से भी, तो मतलब मज़ा आता है उस चीज़ को, जैसे कहते हैं ना एक ही लेवल पर हो जाते हैं तो सब। हाँ जी विम्मी जी बोलिए, आप कुछ कह रही हैं। नहीं मैं वही, क्योंकि मैंने अटेंड नहीं की अभी तक एक भी, तो वही सेम बुक से कर रहे हैं। हाँ सेम बुक से कर रहे हैं अभी विम्मी जी, 2-3 ही हुए हैं बस, ज्यादा हुआ भी नहीं है, तो वो हाँ दो तीन वैसे भी स्टार्टिंग आपके लिए कुछ मैटर नहीं है, आप तो जो है गीता के सेकंड वाला चैप्टर समझ गई हो, सेकंड चैप्टर मेन है इसका, तो वो चीज यदि आपके तीनों की समझ में पूरा आया हुआ है तो मैं आपके लिए नहीं है, लेकिन आप जैसे दोस्त की तरह हो, मतलब जैसे कहते हैं ना हार्ट रिलेशनशिप हो गई हमारी, तो इसलिए मेरे को मजा आता है बस। हाँ तो हर बार वही है कि हर बार आप सिमरन कर रहे हो तो वो उसी में परिपक्व भी हो रहे हो, मतलब ये है, वो तो कंटिन्यूस चलना ही है। हाँ 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 बस यही है बात। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा।